Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हम अपना first lecture record करने जा रहे हैं जो कि base करता है intermediate की compulsory English 1, यानी कि FA की जो book है compulsory English उसका की जो book 1 है, यानी कि जो semester 1 में पढ़ाई जाती है वो, इसका code है 386, इसमें complete 9 units हैं. आज हम इसका यूनिट नंबर 1 करेंगे. तो ये बड़ी ही इफेक्टिव बुक है, अगर आप इसे थॉरली कर लेते हैं तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे. सो यूनिट नंबर 1 बेस करता है इफेक्टिव स्टडी स्किल. हम अपनी पढ़ने की जो एक महारत है, जो पढ़ने की स्किल है, हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं. तो यूनिट नंबर 1 इसी पे बेस करता है. यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स इफेक्टिव लर्निंग से असूल बताए गए हैं. ये चैप्टर बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. इसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपल्सरी इंग्लिश 1 जो है आपकी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, इस यानी कि इसमें कितने कोर्सेज हैं और कितने चैप्टर्स हैं. यूनिट नंबर 9 से है, इसमें 1 से लेकर 9 तक उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी गई है. इसके अलावा यहाँ पर और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है. सो हम आगे देखते हैं. इसमें ये थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसमें पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, बट एक बुक के बारे में एक इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर वो कह रहे हैं जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 2 की एग्जांपल दी गई है. यूनिट नंबर 2 जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. सेक्शन नंबर 1, इसमें फंक्शन है, यानी कि आपको इसमें ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा. इसी तरह सेक्शन बी है, इसमें आपको रीडिंग के बारे में बताया जाएगा. और फिर जो सेक्शन सी है उसमें आपको राइटिंग के बारे में बताया जाएगा. रीडिंग में आप सीखेंगे लर्निंग टू रीड, कैसे रीड किया जाता है उसको आप लर्न करेंगे. एंड जो राइटिंग है, फिलिंग फॉर्म्स एंड क्वेश्चंस, फॉर्म्स और क्वेश्चंस को जो होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, उनको फिल कैसे किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी. तो ये आप कह सकते हैं एक इंट्रोडक्शन है अबाउट योर बुक, अबाउट योर चैप्टर्स. सो नेक्स्ट अगर हम लोग आए मूव करें तो यहाँ पर आपको चीजें बताई जा रही हैं ऐसे ही कोर्स के बारे में. तो मैं इसके बारे में एक आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, बिकॉज जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा. बेसिक हमारी जो स्टडी स्टार्ट हो रही है वो यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है. अब यहाँ देखें, यहाँ पर वो आप तक बता रहे हैं कि जो आपने ऊपर चीजें बताई हैं उसके मेन पॉइंट्स ये हैं, हम इनको देखेंगे. यू शुड हैव एक्वायर्ड अ गुड कंपाउंड ऑफ इंग्लिश, आपको इस कोर्स में एक अच्छी इंग्लिश का मजमुआ मिल जाएगा. यू शुड फील कॉन्फिडेंट इन सिचुएशन वेयर यू हैव टू स्पीक सिंपल इंग्लिश. अगर आप इस बुक को अच्छी तरह करेंगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकेंगे. You will be able to answer simple question in English. आप English में simple questions के answers दे पाएंगे. You would be able to read and understand our text and write simple notes lecture. और इसके बाद आप क्या है, आप समझ पाएंगे कि पढ़ने के बाद कि क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में और उसके बारे में नोट्स वगैरह आप ले सकेंगे. तो बेसिकली इस कोर्स के जो आउटकम्स हैं, जो इसके मकासद हैं, उनके बारे में यहाँ हाईलाइट्स किया गया है. अगर आप ये कोर्स को अच्छे तरीके से करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे. यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि जी बुक जो है, अगर आपको बुक चाहिए, आपने उसके बारे में क्या किया है, आपको सबसे पहले उसमें क्या देखना है, टेबल ऑफ कंटेंट देखना है. यानी कि अपने टेबल ऑफ कंटेंट में 9 चैप्टर हैं, हर चैप्टर किस पे बेस करता है वो आप देखेंगे तो आपको बुक का आइडिया हो जाएगा. सेकेंड में वो आपको बता रहे हैं कि इन दिस कोर्स ईच यूनिट हैज मोर देन 1 सेक्शन, हर यूनिट में एक से ज्यादा सेक्शन है. इन अ फॉर्मल इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स बुक एक्सरसाइजेस आर नॉट गिवन इन द मिडल ऑफ अ लेसन, लेसन के दरमियान में जो है ना वो आपको एक्सरसाइज नहीं दी गई है. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स इज सिमिलर टू द इंग्लिश कोर्स ऑफ द अदर बोर्ड्स, ये बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश की किताब है जैसे बाकी, यानी कि लाहौर बोर्ड या गुजरांवाला या फैसलाबाद बोर्ड जो है उनके कोर्सेज के अकॉर्डिंग ही है, वैसा ही ये डेवलप किया गया है. देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन दिस
टेक्स्ट बुक टू प्रैक्टिस लैंग्वेज फंक्शन, इसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज दी गई है ताकि आप लैंग्वेज फंक्शन जो है उसे प्रैक्टिस कर सकें. देर इज हार्डली एनी पिक्चर इन द जनरल इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स बुक, इसमें बहुत ज्यादा पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब किया गया. नहीं, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बुक आर द कंटेंट्स लिस्ट टाइटल्स हेडिंग्स एक्सेट्रा. इसमें मेन फोकस किस पे किया, कंटेंट लिस्ट पे किया गया, टाइटल्स पे एंड हेडिंग्स पे. द लैंग्वेज यूज इन द बुक इज सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जो इसमें इस किताब में जो लैंग्वेज यूज की है वो बहुत ही सिंपल है और उसके मीनिंग देखने के लिए आपको किसी डिक्शनरी को देखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो इटसेल्फ बहुत सिंपल है, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कहाँ क्या जा रहा है. तो इसी तरह यहाँ से बेसिकली आपको थोड़ा सा वो समझाएंगे कि इंट्रोडक्शन टू स्टडी स्किल, स्टडी स्किल बेसिकली होती क्या है और इसको वो इंट्रोड्यूस कैसे करें. बेसिकली स्टडी, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है. हमारे स्टूडेंट्स का इश्यू यही है, बिकॉज हमारी जो है वो स्टडी स्किल जो है वो डेवलप नहीं हुई होती, स्टडी रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हुई होती, या हम उसको प्रॉपरली जो है प्लान नहीं करते हैं. यहाँ आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कह रहे हैं वो मोटिवेट योरसेल्फ. जब भी आपने स्टडी स्टार्ट करनी है आपने खुद को मोटिवेट करना है, ठीक है. आपने प्रैक्टिस द स्किल दैट यू हैव लर्न. अगर आप रीडिंग स्किल सीख रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, राइटिंग स्किल सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, स्पीकिंग स्किल्स सीख रहे हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, ठीक है जी. देन रिव्यू एंड रिवाइज, रिव्यू करें बाकी चीजों को जो भी स्किल सीख रहे हैं और रिवाइज करते रहें ताकि वो आपकी जो है ना ग्रिप उस पर क्रिएट हो जाए, ठीक है. रिवाइज अ स्पेसिफिक टाइम, एक खास वक्त में जो है उसे आपने रिवाइज करना है. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से आपने सीखना है. डोंट वेस्ट टाइम, टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करने. बी फोकस्ड, फोकस्ड रहना है कि आपने ये काम करना है और इसी पे काम करना है. सिलेक्ट द बेस्ट अप्रोच दैट सूट्स यू सिंस लर्निंग इज योर पर्सनल स्टाइल. वो कह रहे हैं जो बेस्ट अप्रोच आपको सूट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सीखें, बिकॉज आपने सीखना है. कंप्लीट असाइनमेंट, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें, टास्क को टाइम पे खत्म कर लें. डोंट फील शाय, शाय मत फील करें. एंड फाइंड आउट व्हेन एंड हाउ टू आस्क फॉर हेल्प, और कैसे और किससे आप हेल्प ले सकते हैं वो सब आपने मैनेज करना है. तो लर्निंग बेसिकली इज अ ग्रेट स्किल, हमें इसे सीखना चाहिए, इससे हमें मदद मिलती है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं. ये देखें जी, वो कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने प्लानिंग करनी है, स्टडी को प्लान करना है आपने, जैसे कि कोई टाइम टेबल बना ले, कैलेंडर बना ले. यहाँ देखें कैलेंडर शो किया गया है, आप हफ्ते के डिफरेंट डेज हैं, यानी कि अगर आपकी 8 या 9 बुक्स हैं तो आप एक एक आर भी हर दिन का रख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं वीक के पहले 3 जो है दिन हैं उसमें आप इंग्लिश मैथ और साइंस रख रहे हो, बाकी 3 में थोड़ी सी ताकि आप उनमें चिल कर सकें. सो यहाँ डिफरेंट स्ट्रेटजीज दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं. लेकिन बेसिक इस यूनिट में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसमें बेसिकली आपको जो बुक राइटर है उसने आपको चीजों को मैनेज करने का मेथड बताया है. कह रहे हैं योर गोल शुड बी, आपके जो गोल हैं वो बेसिकली क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए उसके बारे में भी यहाँ आपको जो है ना वो डिटेल से बताया गया हुआ है. तो हम इन्हें देख लेते हैं साथ में. वो कह रहे हैं कि राइट योर स्किल्स एंड अबिलिटीज, सॉरी विद इन योर स्किल्स एंड अबिलिटी नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको अपने स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं उनको आपने जानना है. रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो कि पॉसिबल हो. जैसे कह रहे हैं सेटिंग अ गोल टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ 3 new words, ठीक है. आप दिन में 3 नए वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करेंगे तो ये एक आपका रियलिस्टिक गोल है. अगर आप कहें मैं 100 या 300 वर्ड्स करूंगा या करूंगी तो इट वुडंट बी पॉसिबल फॉर यू. ट्राइंग टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ 50 new words अ डे इज नॉट रियलिस्टिक, मीन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, 3, 4, 5 आर इनफ. तो इतना का टारगेट रखें जिसे आप अचीव कर सकें. फ्लेक्सीबल, समटाइम्स थिंग्स विल नॉट गो द सेम यू हैव थॉट अबाउट द बिगनिंग एंड यू मे इवन नीड टू चेंज योर गोल. समटाइम्स शुरू में आपको चीजें
उस तरह नहीं होती है, टाइम वैसे मैनेज नहीं हो पाता, तो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, चेंज पॉसिबल होना चाहिए. स्टे फ्लेक्सिबल सो यू नीड, सो व्हेन यू रियलाइज अ चेंज एंड इज नेसेसरी यू शुड बी रेडी टू मेक द चेंज. तो जब आपको चेंज रिक्वायर्ड हो तो आप उसे चेंज कर सकें. मेजरेबल्स कह रहे हैं इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेजर योर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को मेजर करते रहे, मापते रहे टूवर्ड अ गोल, अपने गोल की तरफ. मीन आप अगर आप डेली के 3 words कर रहे हैं और समटाइम्स वो आपको कहीं जाना पड़ गया या आप ठीक नहीं है और आप 3 words पर डे नहीं कर पाए, वीक में अगर आपने 5 days किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो एक सक्सेस है वो किस हद तक जा रही है, उसका रेशियो क्या जा रहा है. सो इट्स अ गुड, अगर आप 8 दिन में से 2 दिन अगर नहीं भी कर पाते तो बाकी आप दिन करते हैं, तो इट्स अ गुड. फेलियर टू मेजर योर गोल्स विल रिजल्ट इन ए डेमोंस्ट्रेशन, ठीक है जी, गवाही की तरफ ले जाता है अगर आप अपने उसको रोल ही नहीं कर पाते हैं, आपने कुछ अचीव किया है या नहीं किया है. यूजफुल टिप्स फॉर स्टडिंग, यहाँ पे कुछ आपको स्टडिंग की टिप्स दी है, यहाँ मैं आपको थोड़ा एक इससे हटकर भी बताती जाऊँ कि आपने थोड़ा सा पढ़ा है उसके बाद गैप में टेलीविजन देख लें, खेल लें, बट दैट गैप शुड बी अ वेरी स्मॉल गैप. ये नहीं कि जी आपने आधा घंटा पढ़ा तो उसके बाद 6 घंटे आप खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, नहीं, आप थोड़ा सा टाइम को मैनेज करें, चीजों को नोट करके रखें, एक के बाद दूसरा काम आपने क्या करना है उसको आप देखते जाएं. देखिए यहाँ पे बड़ा उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है आप लोगों ने चीजों को देखना क्या है, अंडरलाइनिंग करना है, हाईलाइटिंग करनी है आपने, ठीक है, उसको आपने देख के चलना है. पैराग्राफ्स हैं उनको आपने मैनेज करना है. प्लानिंग एंड मैनेजिंग स्पेस टाइम, स्पेसिफिक टाइम फॉर स्टडी, फास्ट टाइम मैयर कर लें आप. सुबह को, आजकल वेकेशन है तो सुबह को या शाम को, या आप जॉब से वापस आते हैं तो रात को, इसी तरह आप टाइम निकालें, ठीक है जी. ट्राई टू स्टडी एट द सेम टाइम ईच डे, हर रोज आप एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें, ये नहीं कि एक दिन सुबह एक दिन दोपहर एक दिन शाम को, नहीं, एक टाइम सेट करें तो आपका माइंड जो होता है वो सेट हो जाता है. रिव्यू योर नोट्स बिफोर बिगनिंग एन असाइनमेंट, असाइनमेंट शुरू करने से पहले जो आपने बुक पढ़ने के बाद नोट्स लिए होंगे उसको जरूर देखें. तो ये डिफरेंट टाइप के स्किल्स हैं वो जो आपको यहाँ बताई जा रही हैं, ठीक है जी. हाउ नोट स्टडी कैसे नहीं करनी है, वो कह रहे हैं आपने क्या टाइमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं लगाना है चीजों को, ठीक है. स्टडी ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे स्टडी ना करें, बेहतर है कि बुक से करें. स्टडी जस्ट आफ्टर यू हैव ईटन, जैसे आपने खाना खाया तो उसके बाद जो है ना आप स्टडी ना करें. स्टडी हैव शोन दैट थिंकिंग इज स्लोअर आफ्टर हैविंग अ मील, खाना खाने के बाद हमारी सोचने की सलाही जरा आस्ता हो जाती है. स्टडी टू मच एट वन टाइम, एक टाइम को बहुत ज्यादा मत पढ़े, थोड़ा थोड़ा चीजों को पढ़े ताकि ग्रैप करना इजी हो, अंडरस्टैंड करना इजी हो. तो गुड प्लेस टू स्टडी कैन मेक द डिफरेंस, एक अच्छी जगह आप बना लें, कोई भी कॉर्नर, यहाँ आपको टेबल चेयर है, मोस्टली घरों में नहीं होता है, सो आप कोई कॉर्नर सेट कर लें, अपना बेड, चारपाई, या ड्राइंग रूम में कोई जगह, या ऐसी जरा हट के हो, मतलब लिविंग एरिया में ना करें, जहाँ एक सुकून पुरसकून हॉल हो और वहां बैठ कर आप टूल वगैरह पे मैनेज कर चीजों को करें, ठीक है जी. देन वो कह रहे हैं कि मेसी नहीं होना चाहिए, आप क्या करें चीजों को जो है ना, आपकी जो चीजें हैं उनको आप अच्छे तरीके से मैनेज करके रखेंगे, ठीक है जी. और बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा स्टार्ट नहीं करना, एक टॉपिक स्टार्ट कर उसे फिनिश करें, देन मूव टू द अनदर. ऑर्गेनाइजिंग योर स्टडी एरिया, आपके स्टडी एरिया जो है, चाहे वो आपकी बुक्स हैं या अदर एक्सेसरीज हैं, नोट बुक्स हैं, या आपके असाइनमेंट्स के पेजेस वगैरह हैं, उनको आप कीप करके रखें. मैनेजिंग योर टाइम, टाइम को मैनेज करें, इस 1 घंटा अगर आप असाइनमेंट लिखेंगे तो उसमें से आप 15-20 मिनट आपने उसमें निकाल लें, जिसमें आपने बुक में से नोट्स तैयार करने हैं, बुक में से क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद आपने असाइनमेंट्स में लिखने, तो टाइम को थोड़ा मैनेज करें. तमाम असाइनमेंट्स को टाइम देना है, एक स्टार्ट करें दूसरे को कवर करें, या इसी तरह जैसे आप डेली बेसिस पे करना चाहते हैं कि हर एक असाइनमेंट पे एक क्वेश्चन डेली कर लें. डेली रूटीन ऑफ टाइम, ठीक है जी, ऑफ
ताहिर की एक डेली रूटीन उन्होंने यहाँ शेयर किया है। वो कह रहे हैं 12 बजे सुबह से लेकर 5 बजे सुबह तक ताहिर क्या करता है, वो सोता है रात 12 बजे से, ठीक है। सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक वो क्या करता है, प्रेयर है, गेट्स रेडी एंड ट्रेवल्स, ठीक है, ये काम करता है। 8 से लेकर 2:30 बजे तक वर्क ऑफिस है, ये शॉप पे काम करता है। 2:30 से लेकर 3 बजे तक मील या लंच करता है। 3 से लेकर 4 बजे तक वो सोता है। 4 से 5 बजे तक रिलैक्स करता है, टेक्स टी चाय लेता है या टेलीविजन देखता है। 5 से 11 बजे तक विजिट्स फ्रेंड्स गोज शॉपिंग के लिए वो जाता है, ठीक है जी। ये एक टाइम टेबल है उन्होंने दिया कि राइट अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेली एक्टिविटीज ऑफ ताहिर यूजिंग द नोट्स गिविंग इन द चार्ट। ऊपर जो चार्ट दिए गए आपको यहाँ एक्सरसाइज ये दी गई, आपने उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, 12 से लेकर 5 बजे तक एंड एट नाइट से रात बजे तक वो क्या करता है, उस चीजों को आपने लिखना है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर आपको उन्होंने यहाँ पर चीजें दी है। एज यू नो ताहिर इज फ्री ओनली इन द इवनिंग एंड ही मस्ट स्टडी एट लीस्ट 12 आवर्स इन अ वीक, तो उसे क्या है हफ्ते में 12 घंटे उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। सजेस्ट एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल ऑफ द स्टडी फॉर हिम यूजिंग हिज फ्री टाइम। फ्री टाइम को यूज करते हुए आपने एक टाइम टेबल जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है जी। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने यू मस्ट मेक हिम स्टडी 2 आवर्स अ डे, उसे डेली 2 घंटे पढ़ना चाहिए। सो इसी तरह आप भी अपनी रूटीन को देखने के बाद ये बना सकते हैं। यहाँ टाइम टेबल बनाने का आपको बताया मैंने, कहा ना आप डेली के 2 आवर्स रख सकते हैं, फिर उसमें आप मजीद डिवीजन कर सकते हैं कि पहले एक दिन मैंने इंग्लिश पढ़नी, एक दिन उर्दू, या उन 2 घंटे में मैंने आधा घंटा इंग्लिश पढ़नी, आधा घंटा मैंने मैथ करना, आधा घंटा साइंस पढ़ना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपका मूड, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने इन चीजों को मैनेज करना है। ये सारा यहाँ टाइम टेबल दिया गया हुआ है। ये आपको समझाया गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप अभी से अपनी स्टडी को और अच्छे मार्क्स लेने के लिए को मैनेज कर सकते हैं। देखिए अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो इस तरह आप भी लास्ट में क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्टरी है, टाइम मैनेजमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन है जी, नोट स्टडी इनफ, ये इस टाइप के डिफरेंट यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जो पीछा की बताया गया है उसके बारे में आपको यहाँ सिखाया गया है, बार बार किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। मकसद इस चैप्टर का सिर्फ यही है कि आपको रीडिंग की तरफ जो है ना वो लाया जाए और आपको मोटिवेट किया जाए। तो यहाँ आज का यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बिकॉज इस लेक्चर की जरूरत नहीं थी। इंशाल्लाह कल यूनिट नंबर 2 जब मैं आपके लिए लेके आऊंगी तो इसमें मैं आपको थॉरली इसका लेक्चर जो है वो एक एक लाइन को पढ़कर समझाऊंगी। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।